ओके, तो ये हो चुका है कुछ भारी नुकसान, कैरी जितना बड़ा तो नहीं। हाँ, तो अभी मैंने फाइनली स्टोरी वगैरह सारी बता दी है, पर अभी मेरे को ये नहीं पता मैं उसमें से कितना कट शॉर्ट करूंगा, क्योंकि काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगी काफी लोगों के लिए। बट जो लोग भी समझना चाहते हैं कि लाइसेंस वगैरह का प्रोसीजर कैसे होता है, तो उन सबके लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल रहेगी। और बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो अभी शेड्यूल जो है काफी ज्यादा टाइट चल रहा है छुट्टियों के होते हुए भी, क्योंकि ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि एक वीडियो बनाऊं मिस्टर टून रिवाइंड 2019, जिसके अंदर मेरा जो चैनल है उसके अंदर 2019 के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या क्या हुआ वो सारी चीजें एक छोटी सी वीडियो के अंदर, एक टाइप ऑफ मोन्टाज तो नहीं, मतलब एक छोटी टाइप ऑफ हाईलाइट्स एक वीडियो हो जिसके अंदर सब कुछ पता चले। तो अब वो वीडियो जो है वो मेरे को बनानी है, शूट करने से लेके एडिट करनी है 31 दिसंबर से पहले, और उससे पहले मैंने एक और वीडियो बनानी है जो कि है रेस गेम्स के हाईलाइट जो मैंने खेली थी गेम, क्योंकि वो काफी अच्छी हाईलाइट जो है उसकी भी बनेगी। तो अभी क्या है कि ये सब चीजें मेरे को करनी है 31 से पहले, और एक मेरे को टेक वीडियो एक नई बनानी है और उसको एडिट करके अपलोड करना है, क्योंकि काफी टाइम से उसके ऊपर भी जो वीडियो रेगुलरली नहीं आ रही, तो मैं सोच रहा था कि उसके ऊपर भी थोड़ा सा रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूं, ताकि ऑडियंस को वो ना हो ज्यादा ज्यादा ये ना हो कि चैनल पता नहीं कहाँ ही गायब हो रहा है। और जैसा कि मैंने उस वाली वीडियो में बताया था, एक टेक वाली वीडियो में, कि जो हमारी जो वो वाली वीडियो है स्ट्रीमिंग ट्यूटोरियल वाली, वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसके रिलेटेड एक और न्यूज निकल के आती है कि वो वाली वीडियो ने क्रॉस कर लिया है 5000 व्यूज और 350 लाइक्स उसके ऊपर होने वाले हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच यार, 100 से ऊपर उसके ऊपर कमेंट्स हो चुके हैं और काफी डेली मेरे को नए नए सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। उस वाले चैनल के ऊपर 300 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, और ये बहुत ही फास्ट ग्रोथ है अकॉर्डिंग टू अभी जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोथ मेरे को अभी तक फिलहाल देखने को मिली है, और ये वीडियो अभी भी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके अंदर 6000 व्यूज फिलहाल होने वाले हैं, 5.9K तक देखे हैं मैंने आज, तो थैंक यू सो वेरी मच उसको इतना सपोर्ट देने के लिए। और अभी भी अगर नहीं देखी तो देख लेना और शेयर वेयर कर देना उसको भी। और एक टेक वाली वीडियो बनानी है यार, मैंने हर्ष को बुलाया था, इतने दिनों से मैं उसको बुला रहा हूँ कि छुट्टियां हो रही है, आज एक आधी वीडियो बना लेते हैं, आ ही नहीं रहा भाई, पता नहीं किन कामों में बिजी है। हर्ष, इफ यू आर वॉचिंग दिस, यू आर अ नूब, यू आर आदमखोर। ओके, रिस्की शॉट है ये वाला, क्योंकि मैंने लिटरली ट्राइपॉड को बेड के इस वाले एज के ऊपर लगा रखा है, जो कि किसी भी टाइम पे फॉल कर सकता है। और भाई ये वाला जो सीन है उसका वो काफी अच्छा निकल गया है, टेक्सचर वेक्सचर ना मस्त, लाइटिंग कंडीशंस आ रही है। फिलहाल भाई ठंड जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, और नॉट प्रमोटेड, दिस इज नॉट अ प्रमोशन। ओके, अभी तक हमारे पास ब्रांड डील्स नहीं आई है, ब्रांड इफ यू आर वॉचिंग यू कैन सेंड अस, बट कोई ब्रांड नहीं देखता, अपने लोग ही नहीं देखते वीडियो, तो ब्रांड तो कहां ही देखेंगे। फिलहाल आई थिंक कि मेरे बालों को भी एक हेयर कट चाहिए, जो कि हम जल्दी करवाएंगे यार, वे देखते हैं यार, इतनी जल्दी बढ़ जाते हैं, अभी दिसंबर में, अभी स्टार्टिंग में तो करवाए थे। और एक्चुअली जो हमारा पहले एक प्लान था कि दिसंबर के अंदर जो 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, तो उस दिन चर्च विजिट करें, बट ड्यू टू सम रीजंस हम वो नहीं कर पाए, क्योंकि टाइमिंग वगैरह मैच नहीं हुई मेरी और हर्ष की, और मैं अकेले जाके क्या ही करता वहां पे, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो शायद से होपफुली नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे, और बाकी न्यू ईयर की भी यार प्लानिंग वगैरह देख रहे हैं, बाकी सारी प्लानिंग तो मेरे को देखनी पड़ेगी, और तो कौन ही है मेरे साथ, और तो कोई है ही नहीं। तो भी जैसा कि मैं ब्लॉग बना ही रहा था, इतने में मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे 6000 व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं और 350 या 374 लाइक्स हो चुके हैं, और फिलहाल हम बहुत ही ज्यादा से भी ज्यादा क्लोज है 300 सब्सक्राइबर्स के, और 129 कमेंट्स हो चुके हैं। काफी ज्यादा अच्छा ही, काफी ज्यादा से भी ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रही है वाली वीडियो, आई डोंट नो हाउ। टोटल चैनल पे 11000 व्यूज है, उसमें 6.02K तो इसी के व्यूज हैं। इट्स रिवाइंड टाइम। Hey, you here? It's rewind time. Okay, तो ये हो चुका है कुछ भारी नुकसान, कैरी जितना बड़ा तो नहीं पर फिर भी काफी भारी नुकसान हो चुके, क्योंकि मेरे पास एक ही हेडफोन्स है अभी तक। मैंने अभी सिर्फ मैंने मिस्टर टून रिवाइंड वाली जो वीडियो है वो शूट करी है पूरी की पूरी, मेरे को उसको एडिट करने में बिना साउंड के कैसे एडिट करूंगा भाई उसको, और लिटरली भाई ये क्या हो गया, मेरे को शायद से यूट्यूब पे इससे रिलेटेड कुछ ट्यूटोरियल देखने पड़ेंगे कि मैं कैसे इसको ठीक कर सकता हूँ। भाई ये मेरे ख्याल से तार गई भाई बिल्कुल, मैं कल देख तो रहा था कि साउंड थोड़ी सी खराब जा रही थी, मैंने थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिला के भी देखा पर ठीक नहीं हुई, अभी मैंने देखा तो वायर ऐसे टूटी पड़ी थी यहाँ से, मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करा
खत्म होगी वायर। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिशियन बनने की कोशिश करी थी बट ये कुछ भी काम नहीं आया है, टेप भी वेस्ट हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी शायद से इसको इलेक्ट्रिशियन पे लेके जाना पड़ेगा तब जाके ठीक होएंगे ये, अदरवाइज मेरे को नए बाय करने पड़ेंगे। पर मैं कैसे करूंगा, मेरे को अभी जो तीन चार वीडियो बनानी है वो अभी एडिट करनी है यार, कैसे अलग ही दुविधा आ गई, नई दुविधा आ रही है डेली की डेली, हद है। वीडियो भी देख ली मैंने कैसे ठीक करनी है पर करूँ कैसे, हद है। इलेक्ट्रिशियन टूल्स ही नहीं मेरे पास वो वाले। अगर मैं आपको एक और वियर्ड फैक्ट बताऊं अपने चैनल्स के बारे में तो वो ये है, अगर मैं सर्च करता हूं मिस्टर टेक 121 इकट्ठा तो जो है चैनल जो है दोनों चैनल आते हैं, जिसके अंदर से मिस्टर टुन वाला अपने आप ही ऑटोमेटिकली फर्स्ट नंबर पर आता है और मिस्टर टेक वाला नीचे आता है। अगर मैं यहाँ पे मिस्टर टेक और 121 के बीच में एक स्पेस डाल दूं तो क्या होता है कि मिस्टर टेक वाला ऊपर आता है और मिस्टर टुन वाला नीचे आता है। अब मेरे को नहीं पता भाई ये कि क्या एल्गोरिथम है, ये यूट्यूब का अपना नया सा कुछ भी एल्गोरिथम निकाल के लाता है यूट्यूब। और एक और चीज है, अगर मैं मिस्टर टुन और 121 के बीच में स्पेस डाल दूं तो देखो मिस्टर टुन और 121 के बीच में स्पेस डालने से क्या आ रही है, ये इच्छा प्यारी नागिन कहां से आ रही है यहाँ पे, मेरे को ये नहीं समझ आता। हद है भाई यूट्यूब का ये कैसा एल्गोरिथम, आई डोंट नो। यहाँ पे तो मेरे चैनल कहीं पे शो ही नहीं कर रहा, एक आधी वीडियो भी नहीं शो कर रही। हाँ तो गाइस आज हो चुका है नेक्स्ट डे, कल हम वहाँ पे गए तो थे आसपास रिपेयर कराने के लिए पर वहाँ पे हुआ नहीं, तो आज वैसे हम दूसरी जगह पे जाएंगे देखेंगे अगर रिपेयर होता है तो। पर वैसे भी अगर रिपेयर भी हो जाए तो वो जो अपनी साउंड क्वालिटी है वो तो अचीव नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने दूसरे वाले हेडफोन्स भी ऑर्डर कर दिए हैं जो कि जल्दी आ जाएंगे और उसकी अनबॉक्सिंग भी टेक वाले चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो अभी थोड़ी देर में चलते हैं यार वो अपने हेडफोन्स को देखते हैं कि वहाँ पे रिपेयर वगैरह करेंगे कि नहीं। और ये हेडफोन्स खराब थे इसलिए मेरा जो कल का दिन है वो भी पूरा गया, मैं कोई भी एडिट नहीं कर पाया। एक वीडियो शूट करी थी वो वैसे शूट करके बस रॉ फाइल्स रखी हुई है उसको एडिट करना है। और मैंने जैसे बताया था कि मैंने तीन चार वीडियोस एडिट करके अपलोड करनी है 31 दिसंबर से पहले, और ये वाला व्लॉग भी अपलोड करना है, तो मेरे को हेडफोन सख्त चाहिए। और जो हेडफोन मैंने ऑर्डर करे हैं वो तो अभी आने में टाइम लगेगा क्योंकि वो तो कल बैठ के ऑर्डर करे हैं अमेजोन पे, तो तीन चार दिन उसको भी लगेंगे, इसलिए मेरे को ये वाले हेडफोन आज रिपेयर चाहिए क्योंकि मेरे पास और कोई हेडफोन नहीं जिसके साथ बैठ के मैं एडिटिंग कर पाऊँ। तो इसीलिए इसके पीछे मैं इतना पड़ा हूँ कि किसी तरह से रिपेयर हो जाए, किसी तरह से भी ठीक हो जाए, एक बार मेरा टेम्परेरी काम बन जाए बस। ओके तो मैं अभी जाते जाते जो मेन चीज है वो तो भूल ही गया, हेडफोन्स तो लेने थे, हेडफोन्स ही नहीं लेके गया मैं। शुक्र है जाने के पहले याद आ गया। तो अभी तक हम लोग 5-10 दुकानों पे पूछ चुके हैं, सारे देखते ही मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं होएगा ये वाला। फिलहाल हमें कुछ होप मिली है यहाँ की नई दुकानों से, देखते हैं अब यहाँ पे अगर रिपेयर हो जाए तो, क्योंकि मेरे को सिर्फ 2 दिन के लिए चाहिए, उसके बाद तो नए वाले आ जाएंगे। 2 दिन के लिए मेरे को सिर्फ एडिटिंग करनी है एक बार बस। तो हम यहाँ से लेके पूरा एंड तक घूम के आ चुके हैं मार्केट और वो यहाँ से रिपेयर नहीं हुआ बिल्कुल भी, एक भी काम नहीं हुआ। हम कैप लेने आए थे वो भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी वेस्ट, कंप्लीट वेस्ट। तो भाई फिलहाल खोदा पहाड़ निकला चुहिया वाली कहावत सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि अपनी दुकान में जो बंदा था उसके पास पूरी मशीन है, वो सारा ठीक करके अभी तक दे देगा, देखते हैं अगर ठीक होता है तो बढ़िया है वरना फिर देखते हैं। तो अभी फिलहाल मैं ये वाले कुछ हेडफोन्स ले आया हूँ ताकि मेरा थोड़ा टाइम का काम हो जाए, बाकी वो भी एडिटिंग वगैरह के लिए दूसरे वाले भी रिपेयर करने के लिए दे दिए। और वैसे फिलहाल मैं देख रहा था कि कैसे बॉक्सर जैसा लुक लग रहा है मेरा, ऐसे ऐसे टोपी पहन के तो पूरा। तो भाई फिलहाल भाई ने जो है हेडफोन ठीक भी कर दिए, पूरे एकदम ऑडियो क्वालिटी बल्कि बढ़ा भी दी,
काफी तगड़े हैं भाई। जो काम के लिए हम सारी जगह पे घूम रहे थे वो अपने बंदे ने कर दिया, वो भी इतने कम टाइम में अपने आप घर आके दे गया भाई। और फिलहाल तो खाना पीना करते हैं थोड़ा सा। ओके सो फिलहाल आज अगला दिन है और आज मैंने जो ये रिवाइंड है वो सवेरे बैठ के पूरा एडिट कर लिया है। अभी फिलहाल इसको करते हैं एक्सपोर्ट और देखते हैं कि कैसा इसका रिस्पांस आता है। जल्दी से इसको करते हैं अपलोड यार फटाफट से, काफी ज्यादा मेहनत लगी है और काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस वाले रिवाइंड में, बहुत ही तगड़ा होएगा ये। तो अभी फिलहाल ये इतने एक्सपोर्ट हो रहा है, इतने ये पार्सल आ चुका है एक, जिसके अंदर की मेरे को पता है कि क्या है, पर इसको हम लोग देखेंगे, इसके बारे में बात करते हैं अगले व्लॉग के अंदर। तो फिलहाल इस व्लॉग के साथ जुड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा धन्यवाद और मिलते हैं ऐसी किसी और व्लॉग में बहुत ही जल्द। तो तब तक के लिए एज ऑलवेज जय हिंद, वंदे मातरम, और शब्बा खैर, बाय बाय। और वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, कहना जरूरी हो जाता है वरना लोग कहते हैं कि तूने बोला नहीं तो हम करते नहीं। तो ठीक है, बाय बाय। हे यू हियर, इट्स रीवाइंड टाइम। कैसे होता है भाई।